तमामी परवास टीवी के नासरीन को माहे रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सो बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन हो मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से राशी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माहे रमजान मरहबा, बेजबानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमजान देता। مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا हर साल की तरह इस साल माह रमजान मुबारक के खुसूस परवास टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो। माहे सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नशर किए जाएंगे। इस माहे सियाम में परवास टीवी पर पेश किया जाएगा फजाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने, परवास टीवी की खास पेशकश। पसंद आपकी नात हमारी, तफसीरे कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमू अल्लाह के ननियाम पे इसमें। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवास टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई वो रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। मोहतरम नासरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का कोई इम्तियाजी वस्फ होता है और दीन इस्लाम का इम्तियाजी वस्फ हया है। इब्ने माजा। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लड़कियों और ख्वातीन के साथ होने वाली जिंसी ज्यादतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, नजरअंदाज ना करें। शऊर बेदारी के लिए ओहदेदारान इक़दामात लें, जिला जज सुनीता कुंचाला। जायद 50,000 साथ रखने पर सबूत पेश करना होगा। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अख़लाक़ नाफिज़ुल अमल पाबंदी करे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। माहे सियाम अल्लाह का मेहमान, मोमिन के लिए बख्शिश और रहमत का महीना। रोजेदार की मुंह की बो अल्लाह को मुश्क की महक से ज्यादा पसंद। एमआईएम की अंतक पुरसर वो कामयाब काविशें, नुमाइंदगियां वो इख्तमाद। अखलियती इलाकों में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती काम, बाबनसा पहाड़ी ब्रिज के तकरीबन काम मुकम्मल, ईद को होगा आगाज। अब खबरें तफसील से। मुआशरे में लड़कियों के साथ जिंसी हिरासानी को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करने और बच्चों के हक के बारे में शऊर बेदारी लाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला का मशवरा।
जिला न्याय सेवा अधिकारी संस्थान के जेर एहतमाम जिला मरकज में जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में पॉस्को और NDPS एक्ट पर एक तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया ताकि लड़कियों की बाकायदा जिंसी हिरासानी को बेनकाब किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी पी पद्मावती, CP कलमेश्वर ने शिरकत की और मुतलका हुकाम को हुक्म दिया गया कि वो मुआशरे में लड़कियों को जिंसी तौर पर हिरासा करने के वाकयात को ख़त्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई करें। हिरासा करने से मुतालिक कानूनी हकूक से आगाह रहने का भी मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि पॉक्सो और NDPS दो सेशंस में कराए गए। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट गोपाल कृष्णा गोखले, मैजिस्ट्रेट मोहतरमा किशोर, मैजिस्ट्रेट दीप्ति गोपी कृष्णा श्रीनिवास, चाइल्ड वेलफेयर विकला और दिगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। అంటే లిటరల్ గా నేను హైదరాబాద్ లో చూసాను సార్, ఈవెన్ 5000 కి రేప్ కేసెస్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయిన కేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే ట్రైబల్స్ ఉంటారు అలా, ట్రైబల్స్ ఏంటంటే ఒక 5000-10000 ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ మనీ. వాళ్ళకి ఒక 10,000 ఇస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తున్నారా అనే ఫీలింగ్ ఉండేది అన్నమాట. సో అక్కడ ఈ లీగల్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ పెట్టి అంటే చాలా వరకు ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్, కాంపెన్సేషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకే మన దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాయి కేసెస్ అంటే మెయిన్ థింగ్ అదే. అది ఇప్పుడు మనం ఆ అవేర్నెస్ కంట అందరికీ క్రియేట్ చేస్తే విక్టిమ్కి సేఫ్టీ ఉంటుంది, ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, ఎక్యూజ్డ్ నుంచి మనం రక్షణ ఉంటుంది, కోర్టుకు వస్తే కూడా ఎక్యూజ్ ఫైన్ అనేది కూడా ఉంది. మన విక్టిమ్ ఏ స్కూల్లో చదువుకుంటే నేను కూడా రాయకూడదు సార్, కానీ మన మీడియా వాళ్ళు కొంతమంది అంటే పేపర్స్ ఇక్కడ మీడియా వాళ్ళు మీరు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఆ పాప ఏ స్కూల్లో చదువుకుంటుంది అలాంటివి కూడా రాయకూడదు. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఐడెంటిటీ రివీల్ చేసే ఏ ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా బయటికి రాలేదు. ఇప్పుడు పలానా స్కూల్లో చదువుకుంటుంది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా అంటే పబ్లిక్ ఊరుకుంటారా ఆ స్కూల్లో ఎవరు, ఆ స్కూల్లో చదువుతుందంటే ఏ క్లాస్ అమ్మాయి ఎవరు, సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరు, ఇట్లాంటి ఆరాలన్నీ తీస్తారు. సో రేపు స్కూల్ అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అంటే రీహాబిలిటేషన్ కింద మనం కౌన్సిలింగ్ చేసి ఆ పాపను మళ్ళీ ఆ స్కూల్కే పంపించిన అక్కడ కూడా అమ్మాయి చదువుకునే పరిస్థితులు. जायद 50,000 रुपये रखने पर सबूत पेश करना होगा। शादियों की खरीदारी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई छूट नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत भर में लोकसभा इंतखाबात का जाब्ता अखलाक नाफिज है, ऐसे में कोई भी शख्स 50,000 से जायद नकद रकम रखने पर उसे सबूत और दस्तावेजात को पेश करना होगा। इन्होंने कहा है कि मौसम गर्मा में रियासत में शादियों का सीजन होता है, लेकिन शादियों के लिए इंतखाबी जाब्ता अखलाक के निफाज में कोई नरमी नहीं दी जाएगी। एक इंटरव्यू में विकास राज ने शादियों की खरीदी करने वाले अफराद को मशवरा दिया कि वो अपने साथ नकद रकम के सबूत और दस्तावेजात साथ रखें, क्योंकि शादियों की खरीदारी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई छूट नहीं दी जा सकती। इन्होंने कहा कि शादी के कपड़ों, सोना और दीगर अशिया की खरीदी के लिए भारी नकद रकम साथ रखने वाले अफराद को दस्तावेज और दीगर सबूत रखना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के अमल के मुकम्मल होने तक रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज रहेगा। रहमत बख्शिश और तस्किया नफ्स का महीना माह सियाम सदखा बलायात को टालता है। माह सियाम में खूब सदखा वो खैरात करे। शरायत मखसूसा के साथ किसी मुस्तहिक आदमी को अपने माल के एक मुअय्यन हिस्से का मालिक बना देना। इमाम रागिब के अल्फाज में वो हिस्सा जो माल से हक़ इलाही के तौर पर निकाल कर फ़ुखरा को दिया जाता है, ज़कात वो सदक़ा मफरूज़ा और अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। इसे ज़कात इसलिए कहा जाता है कि इसमें बरकत की उम्मीद होती है और इससे नफ्स पाकिज़ा होता है। ज़कात का मफहूम दो मानों से मुरक्कब है, एक पाकिजगी, दूसरे नशोनुमा। किसी चीज़ की तरक्की में जो चीज़ें माने हो इनको दूर करना और इनके असल जौहर को परवान चढ़ाना, ये दो तसव्वुरात मिलकर ज़कात का पूरा तसव्वुर बनाते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में इसके इतलाक दो मानों पर होता है, एक वो माल जो मकसद तज़किया के लिए निकाला जाए, दूसरे ज़कात बचाए खुद तज़किया का फ़ेल है। ज़कात का लफ्ज़ आम सदक़ात के
زمانوں میں ابتدائی اسلام ہی سے مروج ہو گیا تھا۔ اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح مل جاتی ہے۔ محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام قوانین و احکام مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے۔ زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کا اہم رکن رہی۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی۔ زکوٰۃ کے احکامات توریت اور انجیل دونوں میں موجود ہیں، لیکن ان کتب سماوی میں مدت کی تعین میں خطیت نہ تھی۔ زکوٰۃ صرف مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں۔ سونے چاندی پر، ہر قسم کے تجارتی مال پر، کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد قائدین کی انتک جدوجہد کاوش مؤثر نمائندگیاں۔ شہر کے اقلیتی علاقوں میں بے مثال ترقیاتی کام جاری۔ نئے اور پرانے شہر کو جوڑنے والا بابن شاہ پہاڑی برج کی تعمیر بھی ڈپٹی میئر ادریس خان کی محنت اور احتجاج کا نتیجہ ہے۔ بہت جلد برج کے تعمیری کام مکمل ہوگی اور انشاءاللہ عید کی نماز کے لیے نئے برج کا استعمال ہوگا۔ مجلس نظام آباد صدر شکیل احمد فاضل کا بیان۔ امام چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور رہنمائی پر نظام آباد مجلسی قائدین تیزی کے ساتھ اقلیتی علاقوں کی ترقیات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے اور نظام آباد امام صدر شکیل احمد فاضل اور ڈپٹی میئر ادریس خان کی سرپرستی میں امام کے وفد کی جانب سے پراثر کامیاب نمائندگیاں کی گئی، جس کا اثر کے اقلیتی علاقوں میں ترقیات نظر آ رہے ہیں۔ کئی آبادیاں جیسے دھرم پوری ہلز، پینٹر کالونی، ڈرائیور کالونی، ساگر ہلز، دیگر علاقوں کے لیے بابن شاہ پہاڑی برج تنگ و مخدوش ہو چکا تھا۔ دونوں علاقوں کی عوام کی راحت کے لیے ڈپٹی میئر ادریس خان نے برج کی تعمیر کے لیے دباؤ بنایا اور احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ کچھ تاخیر سے ہی صحیح بابن شاہ پہاڑی برج کے کام تکمیل کو ہے، کچھ کام باقی ہیں جو جلد پورے کیے جائیں گے۔ امام قائدین نے آج زیر تعمیر بابن شاہ پہاڑی برج کا دورہ کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا اور مسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ کچھ کام باقی تھے جس کے لیے مزید فنڈز کی ضرورت تھی۔ امام کی نمائندگی پر فنڈز منظور کیے گئے اور عید الفطر کی نماز کے لیے نمازیوں کو نئے تعمیر شدہ برج سے سہولت ملنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ شہر کے ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب اور تمامی کارپوریٹرز، ٹاؤن باڈی کے اراکین یہاں پر بابن صاحب برج کے پاس آ کر کاموں کا جائزہ لیا اور کام اطمینان بخش چل رہا ہے۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس برج کا جو کام جو لگایا گیا تھا اس کے لیے یقیناً ہمارے ڈپٹی میئر صاحب نے بہت ہی پرزور انداز میں یہاں پر دھرنا بھی دیا تھا برج کو لے کر۔ اس کے بعد یہ برج کا کام کا آغاز منسپلٹی سے لگایا گیا، جس کی تخمینہ لاگت 1.17 کروڑ یعنی 1.17 کروڑ روپے میں اس کا کام شروع کیا گیا تھا۔ کسی وجہ سے الیکشن کورٹ کی وجہ سے اور پانی کے جو کنال کا پانی جو چھوڑتے ہیں وقتاً فوقتاً، اس کی وجہ سے برج کا کام رکا اور آگے بڑھتا گیا۔ بہرحال اب یہاں پر پائے تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی۔ اسی درمیان میں اور ایک بھی کام بچے ہوا تھا، جس میں اس کا جو ریٹیننگ وال کے ساتھ یہ جو ہمارے برج کو جو روڈ کو جوڑنے کا جو حصہ بچے ہوا تھا، اس کے لیے بھی ہم کچھ دن پہلے کمشنر صاحب سے خصوصی نمائندگی کرتے ہوئے 13 لاکھ کا کام جنرل فنڈ سے یہ اس کا جو سینکشن کیا گیا، جو اب پائے تکمیل کو ہے۔ انشاءاللہ ہم یقیناً اس میں تھوڑا ڈیلے ہوا، لیکن عیدگاہ جانے کے لیے انشاءاللہ ہم یہ برج استعمال کریں گے، مجھے یہ اندازہ ہے، کیونکہ کام جنگی خطوط پہ چل رہا ہے اور اس کے لیے ہم تمامی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ برج کے لیے آپ لوگوں کو کافی تکالیف اٹھانی پڑی تھی، لیکن میں اور ایک بار یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر یہ تینوں چاروں ایم ایل ایز ہے، ایم ایل سیز وغیرہ ہے، لیکن انہوں اپنے یہ جو فنڈ لگایا گیا ہے، یہ فنڈ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے ذریعے لگایا گیا، جس کی نمائندگی ادریس خان صاحب ایم آئی ایم سے، ادریس خان صاحب جو ڈپٹی میئر ہے، اس کے لیے دھرنا بھی وقتاً جب دیے تھے، اس کے بعد بہت زوروں پہ یہ ایشو پکڑتے ہوئے
क्योंकि ये ब्रिज, ये किनाल जब बन रही है, किनाल के साथ ये ब्रिज बनने का था, लेकिन आवाम को, आवाम की तकलीफ को देखते हुए इसको म्यूनसिपल्टी के फंड से लगाया गया, जिसके लिए मैं ऑफिशियल्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार इस आपके ईदगाह को जाने का जो रास्ता है, हम मदीना ईदगाह को जाने का रास्ता इंशाल्लाह यहाँ से हम गुजरेंगे। शुक्रिया। कविता के ससुराली रिश्तेदारों के मकान पर ईडी के धावे, ईडी की 7 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। कविता दहली शराब स्कैम मामले में फिलहाल मरकजी एजेंसी की तहवील में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने बीआरएस के रुकने काउंसिल के कविता और इनके ससुराली रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। कविता दहली शराब स्कैम मामले में फिलहाल मरकजी एजेंसी की तहवील में है। ईडी की 7 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हफ्ते की सुबह 6:40 पर इस कार्रवाई की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि हैदराबाद के माधापुर में वाकई कविता की नंद अखिला के मकान पर ईडी के अहदेदारों ने धावे की। इसी तरह कविता के शौहर अनिल कुमार के दीगर रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए। एमआईएम की कामयाब नुमाइंदगी हर साल की तरह इस साल भी शहर भर की जुमला मस्जिद और शहर की ईदगाहों में ईद उल फित्र के इंतजाम के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 37 लाख का खसूसी बजट मंजूर। मस्जिद के करीब मुरम अंदोजी व लाइटिंग का नज्म और शहर की ईदगाहों का इमाम खैदीन ने किया दौरा और बेहतर से बेहतर इंतजाम का तयकुन। इमाम खायदीन के एक वफद ने सदर इमाम शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़ियादत में ईदगाह कमेटी जुम्मेदारान के हमरा ईदगाह जदीद खिला, ईदगाह खदीम बोधन रोड, मदीना ईदगाह, ईदगाह जबल नागराम का दौरा करते हुए ईद उल फित्र के इंतजाम के लिए जायजा लिया और जुम्मेदारान से बातचीत की। इस मौके पर ईदगाह मदीना कमेटी ने मजलिसी वफद को तहरीरी नुमाइंदगी पेश की और बताया कि मदीना ईदगाह के ग्राउंड में काफ़ी गहरा गड़ा है और करीब 200 गाड़ी मुरम की ज़रूरत है। मुरम अंदोजी ज़रूरी है ताकि नमाजियों को सहूलत मिल सके। इमाम सदर ने म्यूनसिपल कमिश्नर को इस ज़मन में फ़ोन पर राबता किया, म्यूनसिपल कमिश्नर से बातचीत की और ईद तक मुरम अंदोजी का तयकुन दिया और दीगर ईदगाहों में भी नमाजियों के लिए बेहतर इंतजाम का इमाम खायदीन ने तयकुन दिया और बताया कि मस्जिद के करीब इंतजाम और ईदगाहों के लिए खसूसी फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इन्होंने इजहार किया। आज हम लोग तमाम एमआईएम यूनिट, जिसमें कारपोरेटर्स हमारे बॉडी के मेंबर्स और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदार लोग और डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, ये तमाम ही ईदगाहों का जायज़ा लिया, क्योंकि रमज़ान के बाबत, रमज़ान की खुद में ईद के दिन के हिसाब में ईदगाहों की मरम्मत, ईदगाहों में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर हर साल की तरह इस साल भी मोरम की ज़रूरत हो, डस्ट पाउडर की ज़रूरत हो या और भी दूसरे साफ़ सफाई के, तमाम ही का जायज़ा लिया गया। और मैं आपको बात बताता चलूँ कि इस बार हम तमाम ही ईदगाहों का, ईदगाह जदीद, ईदगाह कदीम, मदीना ईदगाह, अहले हदीस ईदगाह, ईदगाह जबल, ये तमाम का अहाता करेंगे, जिसमें मसाजिद के अतराफ मरम्मती काम, इन तमाम का एस्टिमेट 35-37 लाख रुपए का हम तमाम बल्दिया के जनरल फंड से सेंक्शन कराए और जंगी खतूत पे तमाम काम तकमील को पा रहे हैं इंशाल्लाह। ईदगाहों का जो मरम्मती काम के अलावा मदीना ईदगाह में इससे पहले भी मोहर्रम की कमेटी की तरफ से ये बात रखी गई थी कि यहाँ पर एक साइड में गड़ा है, तो चित्रा मिश्रा मैडम से, जबकि कमिश्नर थे, उनसे बात करके 200 गाड़ी मोहर्रम दलवाया गया। इस बार भी उन यहाँ एक हिस्सा ईदगाह मदीना का एक हिस्सा जहाँ पर मोहर्रम डालने की ज़रूरत है, इस दरमियान अभी कमिश्नर साहब से भी बात किया, कमिश्नर साहब भी पॉजिटिव है, मैं रिप्ले दिया, जल्द से जल्द यहाँ पर मोहर्रम दलवा कर तमाम ईदगाह का क्या को मैदान बनाते हुए नमाज पढ़ने के लायक बनाएंगे, बल्कि हमारा भी अपना ख्याल है और ईदगाह कमेटी ये जो डिफरेंट ईदगाहों की है अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती है और ईदगाहों के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, ईदगाहों में सजरकारी के ताल्लुक से तमाम ही म्यूनसिपल टी अपनी जिम्मेदारी और
हमारे ईदगाह कमेटी के शिरकत से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और आगे भी करेंगे। और इस दरमियान मैं आपसे निज़ामबाद के आवाम से खुसन निज़ामबाद के हमारे अपने कायदीन MIM के सदर जनाब असदुद्दीन अवीज़ साहब, अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब, इन तमाम को आप अपने रमज़ान के खुसूसी दुआओं में शामिल रखें, उनकी उम्र दराजी के लिए और उनके सेहत के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक आवाज़ असदुद्दीन अवैसी है। इंशाल्लाह उनको अल्लाह और तरक्की दे और उनको इतनी हिम्मत दे कि वो हमारे फ़िरका परस्तों के सामने जट के बात कर सके, जमहूरी अंदाज में अपने मुतालबात को मनवाए। कांग्रेस और BRS लीडरों का MPD अरविंद पर इल्जामात लगा है, मुनासिब नहीं। अवाम आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जिला सदर दिनेश कलाचारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से इजहार। जिले में वाकई BJP पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा जिला सदर दिनेश कलाचारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। इस मौके पर जिला सदर दिनेश कलाचारी ने कहा कि कांग्रेस और BRS पार्टियों के कायदीन ने MP अरविंद के खिलाफ जाती इल्जाम की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी बहबूद के मकसद से कई फलाह स्कीमें मुतारिफ करवाई है। हल्दी किसानों की फलाह व बहबूद के लिए जिला निजामाबाद MP पार्लियामेंट में हल्दी बोर्ड कायम करने वाले हैं। दिनेश ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन पर जाती इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं, जिन्होंने हल्दी उगाने वाले किसानों को 20,000 रुपये तक मुआवजा दिया है। इसके अलावा MP अरविंद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से रेलवे, नेशनल हाईवे, सड़कों के लिए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए बातचीत की और जिले को करोड़ों रुपये के फंड्स फ्राहम करने का इजहार किया। इस मौके पर दिगर कायदीन ने शिरकत की। విపరీత విస్తీర్ణం పెరిగింది మన దగ్గర కూడా విస్తీర్ణం తగ్గినందుకు వాతావరణ కారణం ఒకటి రెండోది ఈ ప్రాంతంలో రైతుకు పెట్టుబడి ఎక్కువడం వల్ల ఆ రెండు పరిస్థితుల్లో గతంలో పరిపాలించిన TRS పార్టీ పూర్తిగా రైతులు విస్మరించడం వల్ల ఈ మూడు కారణాల వల్ల మన దగ్గర కొంచెం విస్తీర్ణం తగ్గింది కానీ పసుపు రేటు అనేది యావత్తు భారతదేశాన్ని తీసుకునే రేటు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు 20,000 వచ్చిందంటే దాని ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారిది అలాగే ధరంపూర్ అరవింద్ గారిది మీరు మాట్లాడుతూ అరవింద్ మీద వ్యక్తిగతమైన ఆరోపణలు చేయడం నేను ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను అడుగుతున్నాను ఈ 100 రోజుల్లో మీరు సాధించింది ఏంటి మీరు ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో హామీలను ఏం నెరవేర్చారు ముందుగా ప్రజలకు చెప్పండి మీరు దాన్ని వదిలేసి పసుపు బోర్డు ద్వారా మోడీ గారికి భారతీయ జనతా పార్టీకి అరవింద్ పేరు వస్తుందని చెప్పి అరవింద్ గారిని వ్యక్తిగతంగా ఆరోపణ చేయడం భావ్యం కాదు రెండోది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు చెప్తాను NSF NCSF షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మీ కమిటీల పేరున కాలయాపన చేస్తున్నారు కదా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం కోర్టులో ఉన్న కేసెస్ అన్ని విడ్రా చేయండి కేంద్రంతోని మా పార్లమెంట్ సభ్యుడు ధర్మపురి అరవింద్ గారు ఆ షుగర్ ఫ్యాక్టరీలను పునర్జీవన సాబిఖా వజీర్ శింగారం సంతోష్ రెడ్డికి ఫర్సన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆర్ బోధన్ హల్కా కాంగ్రెస్ ఖైదీన్ కెప్టెన్ కరుణాకర్ రెడ్డి ఆర్ దిగర్ మండలోకే కాంగ్రెస్ ఖైదీన్ నే తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ కు ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ ముఖర్రర్ కర్నే పర్ షాల్పోషీ వ గుల్పోషీ కర్తే హువే దీన్ ముబారక్బాద్ साबिका वजीर शिंगारम संतोष रेड्डी के फरसन श्रीनिवास रेड्डी और बोधन हल्के के कांग्रेस कायदीन कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने ताहिर बिन हमदान को मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी व तहनियत पेश की जिन्हें तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इसके अलावा आरमूर बालकोंडा कमरपल्ली जकरानपल्ली भीमदल मंडलों के कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान को शालपोशी करते हुए मुबारक
मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर इस शख्स की हिमायत करेगी जिसने कांग्रेस पार्टी में अज़्म के साथ पार्टी की तरक्की के लिए काम किया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडरों को चाहिए कि वो एमपी को कामयाब करें जिसके कारकुन सिपाही के तौर पर काम करते हैं। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यू डेमोक्रेसी सीपीएम अरसापल्ली विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबरान ने भगत सिंह की 93 सालगिरह तकरीब मनाई और खिराज अकीदत पेश की। शहर के अरसापल्ली में न्यू डेमोक्रेसी सीपीएम अरसापल्ली डेवलपमेंट कमेटी ने भगत सिंह की 93 सालगिरह तकरीब मनाई। मुतलिका पार्टियों के रहनुमाओं, तरक्याती कमेटी के अराकीन और मुख्तलिफ बरादरियों के रहनुमाओं ने भगत सिंह के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। भगत सिंह की मौत के एहसास पर प्रजा नातिया मंडली सदर के गाए हुए गीत ने सबको मुतासर किया। इस मौके पर न्यू डेमोक्रेसी रहनुमा गोपाल ने कहा कि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में बरतानवी हुक्मरानों को परेशान कर दिया था। इन्होंने मजीद कहा कि भगत सिंह कांटे से कांटा निकालने का इरादा रखते थे। इन्होंने सभी से अपील की कि वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अलोरी सीता रामाराज जैसे लोगों से तहरीक ले और तासुब की सियासत को पलट दे। इन्होंने भगत सिंह को भारत रत्न देने का मुतालिबा किया। इसके अलावा गाँव की तरक्याती कमेटी के अराकीन राजमलू, अब्बन्ना, न्यू डेमोक्रेसी लीडर बोरगाम साइलू, पीडीएसयू लीडर गौतम, सीपीएम लीडर राजन्ना, गांव की अवाम ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रत्येक विषय 2008 संवत्सरम इकड़ा पार्लमेंट पै भगत सिंग विग्रहानी एर्पाट चेयरम जरिगिंदी। इदी सीपीएम न्यू डेमोक्रेसी नायकुलैनटुवंटि अप्पटि कामरेड आरेटन्ना, अट्लागे नायकवाडि नरसन्न, कामरेड सल्ल गंगन्न, अट्लागे सिर्पलिंगम, अट्लागे దిగంబర్, గౌర్ మల్లయ్య, గౌర్యం సాయిలు మరియు నాయకులైనటువంటి రమేష్ గోపాల్ ఆ రోజు కృషి చేసి ఈ పార్లమెంటుపై భగత్ సింగ్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ దీని ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా పార్లమెంటుపై భగత్ సింగ్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి దాఖలు లేవు. దాన్ని అప్పటి మా ఇక్కడ నాయకత్వం ఆలోచించి పార్లమెంటుపై విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఎంతో కృషి చేసి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ విగ్రహము దాదాపుగా సంవత్సరం ఎఫ్తాం సే పబ్లిక్ నజర్ డాలేంగే ఆజ్ కి సుర్ఖియోం పర్. लड़कियों और ख्वातीन के साथ होने वाली जिंसी ज्यादतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, नजरअंदाज ना करें, शौर बेदारी के लिए ओहदेदारान इकदाम ले, जिला जज सुनीता कुंचाला। जायद 50,000 साथ रखने पर सबूत पेश करना होगा। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिजुल अमल पाबंदी करे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। माहे सियाम अल्लाह का मेहमान, मोमिन के लिए बख्शिश और रहमत का महीना, रोजेदार की मुंह की बो अल्लाह को मुश्क की महक से ज्यादा पसंद। एमआईएम की अंतक पुरसर वो कामयाब काविशें, नुमाइंदगियां वो इकदामात, अखलियती इलाकों में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती काम, बाबनसा पहाड़ी ब्रिज के तकरीबन काम मुकम्मल, ईद को होगा आगाज। तो ये थी खबरों की तफसील, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।
रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सो बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन हो मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माहे रमजान मरहबा, बेजबानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह, तोहफे में फिर वो रमजान देता है। مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى وعدك صار وصال نعطي صبرا هر سال کی طرح اس سال ماہ رمضان مبارک کے خصوص پرواز ٹی وی کی جانب سے تمام تر نغموں اور فلموں کو بند کر دو माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवाज़ टीवी पर पेश किया जाएगा फजाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने, परवाज़ टीवी की खास पेशकश। पसंद आपकी नात हमारी, तफसीरे कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ अल्लाह के ननियाम पे इसम। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और डीवी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई व रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ।